हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आज के एक नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है सीलमपुर थर्सडे मार्केट जो भरती है वहां पर। तो भाई आज वहां का ब्लॉग होने वाला है। आज थर्सडे बाजार में जाएंगे वहां पर और भाई देखेंगे वहां पर क्या क्या चीजें मिलती है और कितनी सस्ती मिलती है वहां पर। ये सारी चीजें वहां पर जाकर देखेंगे, तो पूरे ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। पूरा का पूरा व्लॉग आप देखोगे तो भाई आपको पता चलेगा। और अगर आप अभी तक इस मार्केट में नहीं आए हो, पहली बार आपने इस वीडियो को, इस मार्केट को देखा है, तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो फटाफट तैयार हो लेते हैं और चलते हैं। तो भाई साहब, अभी हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर और यहाँ की आप रौनक देखो यार, क्या कमाल की रौनक है। वो हाँ जी, वो कौन से साइज में है? वो तीसरे नंबर का, इसका बराबर वाला। क्या साइज है उसका? तो भाई देखो, यहाँ पर आपको हर तरीके का कपड़ा मिल जाता है। लेडीज जेंट्स, जो आपको बेहतर लगता हो अपने हिसाब से, वो कपड़ा आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको सुबह मेरे ख्याल से 7-8 बजे के आसपास मार्केट ओपन हो जाती है। 9-9:15 बजे के आसपास तो हम यहाँ पर आए। और आप मार्केट में चहल पहल देखो भाई, कितनी कमाल की है, कितनी ज्यादा। तो आप समझ सकते हो इसी से कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग बाग कितना ज्यादा कपड़ा यहाँ का पसंद करते हैं। यहाँ पर देखेगा पेंट वगैरह, फिर क्या देखेंगे? कितने का है? 50 सामान है सारा। पेंट ले लेना। ये वाला ले ले, ब्लैक वाला। अरे ये बढ़िया लग रहा है, ये उसके लिए सही रहेगा। ये ले ले 50 रुपये। चल ले ले ये वाला, ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। ये गंदा लग रहा, ब्लैक सब पे चलता है। 50 रुपये ले लिया, चल दे। है मेरे पास तो खुले पैसे होंगे। 50 रुपये। हाँ क्या हुआ? खुले हैं 500 के। अरे इन्होंने दूसरा, हाँ कितने हैं? 20 रुपये हो तेरे पास? 30 हजार दे दे, लो ठीक है, चलो। तो भाई सुबह सुबह ना यहाँ पर खुले पैसे की भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है। कई यहाँ पर हमने दुकानें देख ली, खुले पैसे यहाँ पर नहीं मिल रहे। जो भी हम चीज देख रहे हैं, बहुत सारी चीज तो हमने छोड़ भी दी थी। तो अभी आगे चल रहे हैं और यार आईफोन का यही बेनिफिट है। आ जाओ, क्या कमाल की पिक्चर आ रही है, क्या कमाल की वीडियो बन रही है। आईफोन महंगा होता है बट प्रॉफिटेबल होता है, काफी अच्छा रहता है। और भाई आप सस्ते रेट में अगर आप बच्चों के कपड़े ढूंढ रहे हो, ये मार्केट काफी बढ़िया है। बच्चों के कपड़े आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाते हैं और बहुत कम रेट में। 150-200 रुपए तक की पेंटे आपको यहाँ पर मिल जाती है, अच्छी खासी पेंटे मिलती है। ऐसे नहीं कि बढ़िया क्वालिटी में मिलती है, और ऐसे ही लड़कियों के जो बच्चियां होती है उनके भी यहाँ पर आपको कपड़े अच्छे खासे मिल जाते हैं। देख लो यहाँ पर क्या कमाल के यहाँ पर कपड़े हैं। और बड़ों के लिए तो भाई लेडीज जेंट्स दोनों के लिए काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर कपड़े हैं। क्या हुआ?
ये ले ले, ये ऐसे वाले ले ले मरियम के लिए, इनमें से और आधा फिर बड़े हैं तो क्या हुआ नहीं ये तो बच्चे के हैं ज्यादा छोटे हैं। तो भाई यहाँ पर अभी दुकानों को देख रहे हैं, कपड़े वपड़े ढूंढ रहे हैं कहीं पे मिलेंगे, जूते चप्पल हर चीज़ देख रहे हैं अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर अभी ढूंढने में लगे हुए हैं। जूते लेगी क्या इनमें से? जूते ले छोटे से हैं, सस्ते होंगे देखिए। तो भाई अभी यहाँ पर भी जूते पसंद नहीं है तो अभी आगे चल रहे हैं, 100-150 रुपए 50-50 रुपए तक के हैं। ये है कि छोटे बच्चों के लिए सही है भाई, बच्चे बाहर खेलते कूदते और जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं तो उनके हिसाब से काफी ठीक है। छोटी है ये, कौन सी लेनी है? ऐसी बात नहीं है, अगले जुमेरात को ही बाकायदा वीडियो बना लो, चाहे फोटो में बोल दो भाई। अरे फोटो या वीडियो का तुम्हारी इसलिए बना रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़े बना रहा हूँ। 150। तो भाई ये दुकानदार भाई समझ रहे थे कि भाई मैं इनकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कपड़े लिए और छोटे ना जाए, तो भाई उन्हें बाद में समझाया कि भाई इसलिए कि ये वीडियो नहीं बन रही है, ये ब्लॉग के लिए वीडियो बन रही है। तो अब भाई पूछने लगे कि भाई कौन सा मोबाइल है। अब यार आईफोन से ये इशू होती है कि लोग बात देखती पूछते हैं एंड्रॉयड मोबाइल को कौन पूछ रहा है, ये एंड्रॉयड है हमारे पास भी तुम्हारे पास भी है, लेकिन ये जो होता है ना आईफोन इसको अलग ही पूछताछ होती है कि हाँ भाई कितने का लिया, कौन सा मॉडल है, ये सारी चीज़ें। मोबाइल गर्म ज़्यादा हो गया, चलो। तो भाई अभी तो चले जा रहे हैं, मार्केट बहुत लंबी लगती है भाई, ये सीलमपुर से लेकर जाफराबाद तक मार्केट लगती है, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है। और हम यहाँ पर लगभग 1-2 घंटे हो चुके हैं और भाई भीड़ देखो, टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना भीड़ भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कपड़े तो भाई एक से एक है यहाँ पर, ये तो बात माननी पड़ेगी, सस्ते रेट में है और भाई मोबाइल की क्वालिटी बढ़ी आ रही है। तो आज तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही चल रही है, लेकिन मोबाइल की बैटरी भाई काफ़ी कम बची है, तो यार दिक्कत ये है एंड्रॉयड होता है तो भाई उसमें बैटरी चलती है लॉन्ग टाइम, लेकिन इसमें बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन भाई मज़ा अलग है। तो अभी इसलिए इससे बना रहे हो ठीक है ना, और लोग बाग दे भी रहे भाई आईफोन चल रहा है, आईफोन से वीडियो बन रही है तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं कई जगह पे। तो यहाँ पर देखो भाई ये दुपट्टे हैं यहाँ पर, और देखो लेडीज़ कपड़े कितने हैं, लेडीज़ कपड़ों की तो यहाँ पर भरमार है भाई, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पर ये कपड़े मिलते हो। तो भाई अभी मार्केट में चले जा रहे हैं, अभी बहुत लंबी मार्केट है, तो यहाँ से अभी निकलेंगे तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर तो अभी हमने जो कपड़े लेने थे वो ले लिए, जूते वगैरह जो लेने थे वो ले चुके हैं यहाँ से, अभी हम जाएंगे अंदर की साइड जो यहाँ पर सीलमपुर मार्केट है, तो वहाँ पर लेडीज पर्स वगैरह मेकअप सेट वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या मिलते हैं, और अगर टाइम मिला तो भाई खाना पीना भी करेंगे क्योंकि भूख भी लग रही है, काफ़ी देर से चल रहे हैं। तो अभी कपड़ों की तो देख रहे हो यहाँ पर कपड़ा ही कपड़ा है भाई, चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो और सामने शर्टें भी टंग रही है, अच्छी क्वालिटी की शर्टें हैं और महंगी भी नहीं है, सस्ते रेट में आपको मिलती हैं। तो ये मार्केट लगती है भाई थर्सडे को ठीक है ना,
हर थर्सडे को ये मार्केट लगती है सुबह 7-8 बजे के आसपास से, या मेरे ख्याल से उससे पहले से मार्केट लगनी स्टार्ट हो जाती है ये। और मार्केट में हर चीज़ यहाँ पर मिलती है, तो इस मार्केट में अगर आपने विजिट नहीं किया है अब तक तो आप इस मार्केट की तरफ ज़रूर आइएगा एक बार, जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं और जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलो और यार चलो आगे चल रहे हैं, देखते हैं अभी तो मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो भाई यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो मात्र 10-10 रुपए से स्टार्ट हैं, 50-20 रुपए, 30-30 रुपए में, मतलब काफ़ी सस्ता यहाँ पर कपड़ा मिलता है। और कपड़े के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं यहाँ पर, आपको चाय के कप मिल जाते हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे गिलास के सेट यहाँ पर मिल जाते हैं। भाई देखा मैंने यहाँ पर अभी गिलास के सेट काफ़ी बढ़िया हैं, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अभी तो देख रहे हो आप यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, भाई हर तरीके का यहाँ पर सामान है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी सस्ते दामों में, तो दाम की भी कोई टेंशन नहीं है और क्वालिटी भी कमाल की है। यहाँ पर देखो बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर चप्पल वगैरह भी रखे हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पर अपने लिए जूते। तो अभी तो हम चले जा रहे हैं, अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो भाई सैंडलें लेनी है और यहाँ पर भाई लेडीज़ों की चीज़ें हैं, तो हमारा तो कुछ लेना है नहीं यहाँ पर, ज़्यादातर लेडीज़ों की चीज़ें लेने ले रहे हैं, ठीक है ना, मेकअप का सामान लेना है और भी सब काफ़ी सारी चीज़ें अभी लेनी हैं। तो अभी यहाँ पर दुकानों पर रेट पूछ रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, अभी तो अभी यही काम चल रहा है, अभी कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली जो खरीदी जा सके। ये देख रहे हो एक एक साल के बच्चों या छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर आपको कपड़े देखने मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते रेट में, आपको ये देखने को मिलते हैं यहाँ पर। चल बाहर को निकलेंगे, वहाँ पे चलेंगे, अंदर बाहर से चलेंगे, चल यार चल चल। तो भाई अब हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर सीलमपुर की मार्केट के अंदर, जो डेली की नहीं है, मतलब डेली की है, जो थर्सडे वाली नहीं है, थर्सडे वाली तो मैंने आपको दिखा दिया। अब चल रहे हैं थोड़ा सा जो सामान है मेकअप का, ज्वेलरी वगैरह, और यहाँ पर पर्स वगैरह, और भाई यहाँ पर अच्छे अच्छे लहंगे आपको मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। तो आप उस मार्केट के अंदर हमारी एंट्री यहाँ से हो रही है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी आपको एक से बढ़कर एक कपड़ा मिल जाता है, चाहे वो आप यहाँ पर बिना सिला हो चाहे सिला हुआ हो, और यहाँ पर ज्वेलरी, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर और भी सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। अब इधर किधर जा रही है, तो भाई अभी ले लिया है हमने खाने के लिए थोड़ा सा खाना, यहाँ पर हमने चाउमीन लिए, चाट के प्लेट लिए और दो बोतलें ली थी, और ये खाते हैं फटाफट निकलते हैं यहाँ से और चीज़ें देखने के लिए। तो भाई अभी आ चुका है वापस से मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर हमें पर्स वगैरह लेना है। और देखो ये जो आगे की साइड मार्केट जा रही है ना, यहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी और पर्स वगैरह, और यहाँ पर आपको ना मेकअप वगैरह का सामान मिलता है, ये सारी की सारी जगह इसी चीज़ के लिए है। यहाँ पर आप देखो सारे में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो पर्स मिलेंगे, या यहाँ पर आपको ज्वेलरी मिलेगी, या आपको यहाँ पर मिलेगा भाई क्या, या आपको यहाँ पर मिलेगा लेडीज़ का मेकअप का सामान। और नीचे वाला तो भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, और अब आगे की शॉप पर चल दिए यहाँ से। तो इसी तरीके से करके ना यहाँ पर हम ढूंढते जा रहे हैं शॉप वगैरह को, और भीड़ यहाँ पर भाई निकलने में दिक्कत होती है भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि जगह थोड़ी कम रहती है। तो यहाँ पर बाकी हम सुबह के टाइम आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी देखते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया भाई, सिर्फ मरियम के लिए कपड़े लिए हैं थोड़े से, बाकी और कुछ भी यहाँ पर अभी तक नहीं लिया भाई। चले जा रहे हैं बस पीछे पीछे, जहाँ पर भी जाया जा रहा है हम तो यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी कौन सी शॉप टकराती है, कौन सी शॉप पर से क्या चीज़ यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ तो भाई चलो बाहर की तरफ आ चुके हैं,
अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितने ज्यादा कपड़े की मार्केट लगी हुई है, देख रहे हो यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी कपड़ा तो भाई इतना है कि आप जितना मर्जी आप ले लो, सस्ते से सस्ते रेट में, महंगे से महंगे रेट में, हर तरीके के रेट में आपको यहाँ पर कपड़ा देखने को मिल जाता है। जिस तरीके का आपको चाहिए उस तरीके का आप यहाँ से ले सकते हो। जल्दी जल्दी चल रहा तू, टेंशन नहीं ले रही। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लगे इंतकाल हो गया यहाँ से। तो भाई साहब अब चल रहा है देखो मार्केट का एंड। हमने यहाँ पर लगभग ज़्यादातर चीज़ें ले ली हैं, एक तो एक आध चीज़ बची है तो वो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, क्योंकि परस रह गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। परस यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है भाई कोई सही सा, तो परस कोई ढूंढने में अभी फिलहाल में लग रहे हैं। बाकी तो वरना हर चीज़ ले ली है, जूते वगैरह ले लिए, जो लेना था वो सब कुछ ले चुके हैं। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई मार्केट में घूमते घूमते एक बज चुका है हमें, 4 घंटे का यार पता नहीं चला यहाँ पर कितनी जल्दी निकल गया। आप समझ सकते हो कि इतना जल्दी इतना टाइम निकल गया, और हमने इतना ज़्यादा लिया भी नहीं है कुछ, बस ये है मार्केट में घूम रहे हैं भाई। और घूमना बढ़िया भी लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कपड़े वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ से अब निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस फाइनली अभी मार्केट में घूम कर आ चुके हैं। आपको मैंने दिखाया आज के ब्लॉग में यहाँ पर थर्सडे बाजार जो लगता है वो सीलमपुर की तरफ का, भाई काफ़ी कमाल का बाजार लगता है और काफ़ी चीज़ें लेकर आए हैं, और साथ में भाई अंडे की क्रेट भी लेकर आए हैं वहाँ से, और क्या लेकर आए हैं और भी काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पर एक शीशा भी लेकर आए हैं और कपड़े वगैरह काफ़ी सारे लेकर आए हैं। तो मतलब कहने का ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आए हैं, और बाज़ार काफ़ी बढ़िया और सस्ते रेटों में काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ से कपड़े वगैरह मिल जाते हैं भाई। बच्चों के कपड़े भी लेकर आए हैं और साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई कपड़े ना यार काफ़ी कमाल के कपड़े मिल जाते हैं, और ये देखो ये मरियम के लिए लेकर आए हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के और काफ़ी अच्छे कपड़े हैं। तो ये साथ में ये परस भी लेकर आए भाई उसके लिए, है ना, ये परस लेकर आए उसके लिए, उसने बहुत दिनों से जिद कर रखी थी। तो काफ़ी सारे चीज़ें लेकर आए हैं, व्लॉग आज का कंप्लीट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो दिल्ली में, तो भाई आप थर्सडे बाजार सीलमपुर अगर नहीं गए तो जाइए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं कम रेट में, ठीक है। चलो आज का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है।